आमचे YouTube न्यूज चैनल पालिका प्रशासन सब्सक्राइब करावे ही विनंती। विरोधात लढण्यासाठीची लस अर्थात वैक्सीन लवकरच उपलब्ध होणार असल्याचं संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून वारंवार सांगितलं जात आहे, परंतु वैक्सीन खरेदीची प्रक्रिया महापालिकेने आतापासूनच सुरू करावी, जेणेकरून ऐनवेळेस वैक्सीनच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही तांत्रिक अथवा प्रशासकीय कारण निर्माण होणार नाही आणि नवी मुंबईकरांना कोरोनाचं वैक्सीन महापालिकेच्या माध्यमातून जलद आणि वेळेत उपलब्ध होईल, असं मत ऐरोलीचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार गणेश नाईक यांनी आयुक्त अभिजित बांगर यांच्यासोबत झालेल्या आठवडा बैठकीत मांडले आहे। श्री बांगर जी जो म्युनिसिपल कमिश्नर है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है, मैंने उनसे कहा कि भाई आने वाले दिनों में जो वैक्सीनेशन की जो सुविधा जो इंडस्ट्री में उपलब्ध होने वाले R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से अभी उपलब्ध होने वाली है, आज के तारीख में जिन संस्थाओं ने ऐसे वैक्सीन तैयार की है उनके पास अपनी डिमांड रखो, उनसे बात करो। जिस दिन बाजार में ये वैक्सीन आएगी और शहर में लोग उसका उपयोग ले रहे हैं, नई मुंबई में जनता के लिए कुछ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने वो बात तुरंत मंजूर की और आज के आज वो सभी इंस्टीट्यूट को पत्र लिखने वाले हैं कि जिनके जरिए मैंने वाले दो से मिलने वाले चार को पत्र लिख दो। और देखिए बात, एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी दवा को या किसी वैक्सीन को अप्रूव किया तो 19-20 का फर्क हो सकता है एकादा, लेकिन वैक्सीन तो वही एक जैसी रहती है, तो उन्होंने कबूल किया और अपने नई मुंबई की जनता के लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होगी, उसके लिए मैंने उनको सूचित किया है। आमदार गणेश नाईक यांच्या या सूचना वजा मागणीची महापालिकेने तात्काळ अंमलबजावणी केल्यास नेहमीप्रमाणे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची गरज नवी मुंबई महापालिकेला भासणार नाही। ब्युरो रिपोर्ट, पालिका प्रशासन, नवी मुंबई।